दोस्तों वो कहावत है ना कि अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, और अभी ऐसा ही हुआ है हाल ही में टर्की के साथ। दरअसल आप सभी को याद ही होगा कि भारत टर्की के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता है और इसकी झलक भारत ने कई बार दिखाई है, परंतु टर्की ने हर बार अपनी इस्लामिक दुनिया के चलते कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है और हर बार भारत की पीठ में छुरा भोंका है। अब चलिए, इस्लामिक ब्रदर हो तुम दोनों देश, तो सकता है कि तुम कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का समर्थन ना करके भारत के साथ अच्छे संबंधों के लिए कश्मीर मुद्दे पर कुछ ना बोलो, परंतु टर्की ऐसा नहीं करता है। टर्की खुलकर भारत के खिलाफ जाकर कश्मीर और पीओके को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। और इसके अलावा टर्की को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफी ज्यादा घमंड है, जिसके कारण से जो टर्की की कंपनी है बायरेक्टर, जो कि अर्दोगन यानी टर्की के राष्ट्रपति के दामाद की कंपनी है, उन्होंने एक बार भारत को लेकर बयान दिया था कि हमारा बायरेक्टर TB2 ड्रोन इतना एडवांस है, परंतु हम इस ड्रोन को भारत जैसे देशों को कभी नहीं देंगे। इसका इस्तेमाल हमारे फ्रेंडली देश जैसे कि पाकिस्तान जैसे देश कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए टर्की ने अपना यह ड्रोन भारत के खिलाफ दिया भी है, परंतु भारत ने इस प्रकार के ड्रोन की खरीदी की मांग टर्की से रखी ही नहीं थी, फिर भी टर्की आगे बढ़ चढ़कर ऐसी बात बोल रहा था। परंतु अब जो ऊंट है वो पहाड़ के नीचे आ चुका है, क्योंकि टर्की का यह बहुत पॉपुलर ड्रोन इथियोपिया के अंदर मार गिराया गया है। जी आप सभी ने सही सुना, स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल देख सकते हो और फोटो भी देख सकते हो, जिसमें टर्की का यह जो ड्रोन था वो हथियारों समेत जमीन पर गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इससे पहले यूक्रेन युद्ध के अंदर रशिया ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और इसके अलावा एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का उपयोग करके टर्की के ड्रोनों को आसानी से ध्वस्त कर दिया था, और एक बार फिर से इथियोपिया के अंदर इस प्रकार से ड्रोन का मार गिराया जाना टर्की के इस ड्रोन की सेल के ऊपर काफी बुरा इंपैक्ट डालता है, साथ में टर्की के घमंड को भी तोड़ता है, जिसमें टर्की यह मानता है कि उनका ड्रोन दुनिया का बेहतरीन ड्रोन है, जो कि सबसे